हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे समोसा कटिंग बॉर्डर जो है ये कैसे लगाते हैं, इसकी हम कैसे कटाई करेंगे, किस कैसे इसको हम लगाएंगे, पूरा जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको सबसे पहले इस तरह से अपने स्टेप की हाइट जो है उसको नाप लेना है। इस तरह से आप इसको नाप लें। ये हमारा 7 इंच का स्टेप है दोस्तों, जो भी आप स्टेप नाप के देखोगे 7 इंच का होगा। इस तरह से आप भी अपने स्टेप को नाप लें, जो भी आपका साइज है स्टेप का। तो इस तरह से नापने के बाद हम इसको दूसरी तरफ से भी नापेंगे दोस्तों। ये हमारा 11 इंच का स्टेप है विद मोल्डिंग, और ये मोल्डिंग 4 सूत की हमने बाहर निकाली दोस्तों। इसको माइनस करेंगे 4 सूत, तो ये हमारा 10.5 इंच का स्टेप निकलेगा। और बॉर्डर की जो हाइट रहेगी दोस्तों वो हम 4 इंच रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से 3-4 इंच जो भी रखें रख सकते हैं। तो आप जितनी भी हाइट रखेंगे उसका दुगुना इसके अंदर प्लस करना है दोस्तों। जैसे हमारा 7 इंच का स्टेप है तो हम इसके अंदर 4 इंच का बॉर्डर रख रहे हैं, 8 इंच इसके अंदर प्लस करते हैं तो ये 15 इंच का हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको ये करना है दोस्तों। ये हमने 15 इंच का पीस काट लिया है, इसके अंदर से 2 पीस निकलेंगे दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा जो भी आप बॉर्डर का साइज रख रहे हैं 3 इंच 4 इंच, उसका दोगुना आप अपने स्टेप के हाइट में मिला लें। 3 रख रहे हैं तो आप 6 इंच मिला लें, जैसे 6 और 7 15 हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको काटना है। तो आप इस तरह फर्मे की सहायता से इसको काट सकते हैं। अगर आप सीधा मार्किंग करके काटना चाहें तो काट सकते हैं। 1 पीस में से 2 पीस निकलेंगे दोस्तों। इस तरह से आपका ग्रेनाइट वेस्ट भी नहीं जाएगा और आप आसानी से समोसा कटिंग को काट कर लगा सकते हैं। ये हम आपके सामने फर्मे की सहायता से इसको काट कर दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी इस तरह की होगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस तरह से आप इस समोसा कटिंग को काट लें फर्मे की सहायता से। ये आपके सामने हम फर्मे की सहायता से इसको काट कर दिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आप इस तरह से जब भी इस समोसा कटिंग को काटेंगे बहुत ही आसानी से इसको काट सकेंगे और आपका जो ग्रेनाइट पत्थर है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये आपके सामने हमने पीस को काट लिया है। ये आप देख सकते हैं 1 पीस में से ये 2 पीस हमने बना लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी काटेंगे। हमारे दूसरे पीस की भी इसी तरह से कटिंग हो गई दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नाप का हमने एक बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोस्तों, एकदम सही कटाई हुई है दोस्तों। ये काटने के बाद इस तरह से हमने सेटिंग करके रख लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, कटाई करने के बाद फिर हमें इसे सीढ़ी के ऊपर इस तरह से बॉर्डर के निशान लगाने दोस्तों। जितना भी आप बॉर्डर को 1 सूत 2 सूत प्लास्टर के अंदर रखना चाहते हैं उसी हिसाब से निशान लगा लें। एक ऊपर निशान लगा लें, एक इस तरह से नीचे लगा लें। हमने नीचे निशान लगा लिया, अब हम ऊपर निशान लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप ऊपर भी निशान लगा लें। इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाने के बाद फिर इसके ऊपर सूत बांधना है दोस्तों। ये हम आपके सामने सूत को बांध कर दिखा रहे हैं। आप भी इस तरह से निशान के ऊपर सूत बांध लें। ये हमने ऊपर सूत को बांध लिया और अब नीचे भी बांध देंगे जो हमने निशान लगाया है स्टेप के ऊपर। बिल्कुल उस निशान के ऊपर सूत होना चाहिए दोस्तों। सूत बांधने के बाद फिर हम इस तरह से एक छोटा गुनिया ले लेंगे। उस गुनिये की सहायता से हमें सूत के ऊपर निशान लगाना है जहाँ पर ये सूत है। इस तरह से निशान लगा लें। ये आपके सामने हम लगा कर दिखा रहे हैं। सभी स्टेप के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है दोस्तों।
आपके सामने हम जो निशान लगा के दिखा रहे हैं, जिस तरह से आपको निशान लगाना है। निशान लगने के बाद हम इसकी कटाई करेंगे दोस्तों। ये आपके सामने देख सकते हैं, ग्राइंडर से इसकी कटाई होगी। जितना हमने मोल्डिंग को बाहर निकाला है वो मोल्डिंग की कटाई होगी दोस्तों। फिर इसके अंदर बॉर्डर फिट होगा। इस तरह से कटाई करें बिल्कुल आराम से। जो हमारी मोल्डिंग आगे रेजर से आगे बधी हुई है उसी को काटना दोस्तों, ज़्यादा आगे ग्राइंडर को नहीं ले जाना है। ये सभी स्टेप की इसी तरह से कटाई होगी। आपको भी इसी तरह से काटना है दोस्तों। आप जब भी इस तरह से काट कर लगाएंगे बहुत ही सुंदर बॉर्डर लगेगा आपका। स्मोसा कटिंग बॉर्डर लगाएंगे। ये सभी पीसों की इसी तरह से कटाई हो रही है दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं। ये हमारी कटाई जो हमने स्टेप की कर दी है दोस्तों। अब इसको हम छेनी थोड़ा या छेनी तेजी की सहायता इसको कटाई को दीवार के साथ में इसको तोड़ देंगे ताकि इसके अंदर हम बटर को लगा सकें। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसको काटना है छेनी थोड़ा की सहायता से। इस तरह से काटने के बाद फिर आपको इसके ऊपर बॉर्डर को सेट करना है दोस्तों। ये आपके सामने देख सकते हैं, बॉर्डर के लिए हमने खांचा निकाल लिया इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर को सेट करेंगे। यह आपके सामने हम सेट करके दिखा रहे हैं दोस्तों। इस तरह से सेट करने के बाद फिर आप इसको केमिकल या सीमेंट के अंदर लगा सकते हैं। ये हमारे पास सीमेंट है दोस्तों, हम सीमेंट के अंदर इसको लगा रहे हैं। आप चाहे तो केमिकल में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीमेंट में लगाना चाहें तो सीमेंट में भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसको फिट करना है दोस्तों। जो हमने खांचा निकाला है उसके अंदर ये इस तरह से चला जाएगा और बहुत ही देखने में सुंदर लगेगा दोस्तों आपको ये समोसा कटिंग बॉर्डर। इसी तरीके से इसको फिट करना है दोस्तों। ये आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही फिटिंग होगी दोस्तों। इस तरीके से जब आप समोसा कटिंग बॉर्डर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।